हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए, जो भाई ऑपरेटर हैं, जिनको नहीं पता है कि कटिंग लाइन में क्या क्या काम होता है। देखिए भाई, जो क्रेन चला रहा है ये कटिंग लाइन में, जैसे एक बिल्डिंग में आग लग चुका है, तो बिल्डिंग में आग लगने की वजह से सारा का सारा इसका जो भी कॉलम है वो उतारना पड़ रहा है। तो देखिए, ऐसे ही कटिंग लाइन में, अगर जब भी आप कटिंग लाइन में जा रहे हैं तो अपना वेट का जो भी है उसको लूज करके मत रखिए, उसको हमेशा टाइट करके रखिए, नहीं तो आपका बूम टूट सकता है। देखिए, ये देखिए भाई ने कटिंग करके ये निकालना है छोटा छोटा। ये मेरा दोस्त ऑपरेटर है, इंडिया में क्रेन चला रहा है, ये बिल्डिंग में आग लग चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कटिंग लाइन में क्या क्या काम होता है। जो भी आप लोग कटिंग लाइन में जाते हैं, जैसे सुबह बहुत सारा कटिंग लाइन होता है, जैसे बिल्डिंग का कटिंग हो गया, स्ट्रक्चर का कटिंग हो गया, उसको कटिंग करके उतारते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, हुक को लूज करके रखते हैं, तो उसमें बूम टूटने का ज़्यादा चांस रहता है। तो कभी भी आप हुक को लूज करके मत रखिए, ठीक है। ये देखिए, कभी भी हुक को लूज करके मत रखिए, आप लोग हमेशा टाइट करके रखिए, उस पर लोड दे के रखिए। ये देखिए भाई उतार रहे हैं, कटिंग लाइन में है। ये बोला भाई मेरा वीडियो डाल दो यूट्यूब पे, भाई ने वीडियो डालने के लिए।